महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। उन्हें 169 विधायकों का समर्थन मिला है। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने किसी भी पक्ष में वोटिंग नहीं की, हालांकि वो सदन में मौजूद नहीं। विधानसभा में चले भारी हंगामे के बाद भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा के दरवाजे बंद करने के आदेश दिए थे। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल और अनियमितता का पत्र सौंपने की बात कही। विधानसभा में बहुमत परीक्षण गुप्त मतदान से नहीं किया गया। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि बहुमत परीक्षण गुप्त मतदान से नहीं होगा, बल्कि सदस्यों को गिना जाएगा। अशोक चव्हाण और नवाब मलिक ने सदन में बहुमत परीक्षण का प्रस्ताव पेश किया। देवेंद्र फडणवीस ने सदन में उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सदन की शुरुआत में वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर सवाल उठाते हुए विधानसभा स्पीकर से सवाल किया कि इस सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से क्यों नहीं की गई। उन्होंने नियमों के खिलाफ सदन को बुलाए जाने की बात भी कही, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर को जारी करने से इनकार कर दिया। फडणवीस ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव कराए गैर बहुमत परीक्षण नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर को भी नियमों को ताक पर रखकर बदला गया। इन आपत्तियों को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।